हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। और सुबह का नाश्ता दिखाते हैं आपको। और आज शाम में सोचा है, अब्बू के दोस्त के घर से मछली भेजी थी उन्होंने अब्बू को, तो वो बनाते हुए दिखाएंगे। और उसका मसाला लगा हुआ आया था, तो रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स करके बताइएगा, रेसिपी डाल देंगे फिर हम। तो मसाले घर के यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर ना मछली पे भी। तो आपको दिखाते हैं नाश्ता, वी आई पी है हमारा नाश्ता, तो होता ही वी आई पी है भाई। अब आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये देखें, रात की दाल और ये कढ़ी का सालन है, और चाय, डबल रोटी, रोटी और पराठा। ये रोटी कौन खा रहा है आप? और चाय। चाय नाश्ते में ना हो तो जिंदगी अधूरी है, क्यों भाई? सही कह रहा हो ना? और कोई चाय अंडे में अगर भी ना हो तो जिंदगी अधूरी। इसके अब्बू के दोस्त ने भेजी थी ये मछली, और इसकी रेसिपी भी ज़रूर डालेंगे आने वाले वक्त में जब ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएंगी। और आपको अब मछली बनाते हुए दिखाते हैं, फ्राई करिए मछली, बहुत टेस्टी बनाई हमने, अब आपको दिखाते हैं। चलते हैं किचन में। दोस्त ने भेजी थी और आज हमारी पार्टी हो रही है मछली। आज हम मछली खाएगा, आज हम मछली खाएगा, मछली को पाला है हम ना, बर्गर बनाएगा। बर्गर भी दिखाते हैं आपको, बर्गर भी दिखाते हैं आपको। और ये मछली बना रहे हैं, और ये बर्गर बना रहे हैं अंडे वाला जो बाहर मिलता है, खीरा काटा हुआ है। और ये रे कबाब, ये अंडा, अंडे वाला बर्गर बनेगा। मायनीज और केचप लगाऊंगा। ये रहा मायनीज, और ये रहा केचप की बोतल, और सलाद पत्ता डालेंगे। ठीक है, ये है कटारे, लड़कियों को पहचान गई होंगी, ये क्या चीज़ है, पहचानी है लड़कियाँ, लड़कियों का फेवरेट चीज़ है ये लड़कियों की। ये हरे कटारे कच्चे जब हम स्कूल में खाते थे ना, वो कटारे, इसकी हम मछली के फ्राई करेंगे ना, तो उसके साथ हम ये ग्रीन चटनी बनाएंगे कटारों वाली खट्टी। ये कटारे बर्गर तो बना दो आप पहले। दिखा दिया। ये हम बना रहे हैं बर्गर। ये हमने दो बन लिए हैं, ये देखें, इनको हमने काट लिया है, बीच में से दो दो कर लिए हैं। और ये हमने लिया है मायनीज, दो चमचे हमारे पास मायनीज, ये दो चमचे हमारे पास मायनीज है। और ये एक अंडा है, एक अंडे वाला बर्गर बना रहे हैं। दो कबाब हैं, ये आलू के कबाब हैं, और इसमें थोड़ा सा चिकन भी मिला हुआ है। और ये खीरा है हमारे पास, और सलाद पत्ता भी है हमारे पास, अभी हम वो भी दिखाते हैं आपको। ये केचप है, और ये हमारे लाल पिसी मिर्च है, और ये नमक है। और अभी हमारे पास खीरा आ गया, और ये सलाद पत्ता है, और इसे लगा लो। ये मायनीज लग गया, और अब हम इसमें यहाँ पास केचप है, इसको लगा रहे हैं। ये देखिए केचप, केचप लगा दिया हमने। अब ये हमारे पास ये तलेंगे कबाब है, अब इसको तलेंगे। ये हमने कबाब डाल दिए, ये कबाब हमारे पक रहे हैं, अच्छे से हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर, ये देखिए हमारे कबाब। अब ये कबाब हमने घर में बना के रखे हुए थे, तो ये वो कबाब हमने ले लिए फ्रिज में से, ये बर्गर में लगाएंगे हम। ये हमारे कबाब हो गए, कबाब हमने तल लिए हैं। और ये हमारे बर्गर का अंडा है, बड़ा होता है इसमें, और बड़ा करते हैं इसमें।
ये हमारा बर्गर का अंडा हो गया। ये हमारा अंडा तैयार हो गया है, बॉल कर देते हैं और इसको हम। अब ये हमने कबाब भी हुए हैं और हमारा ये अंडा भी रेडी है और अभी हम इस पर लगा रहे हैं बर्गरों पे कबाब को। इसको छोटी सा आधा कट करके लगाते हैं। ये हमारा कबाब लगा रहे हैं हम बर्गर। घर में बनाए आप लोग बड़े मज़ेदार बनते हैं, घर में बना के खाएं। बाहर के बर्गर भी ऐसे होते हैं, घर के साफ सुथरे होते हैं, घर के आप बनाएं और अच्छे भी बनते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं और मज़ेदार भी होते हैं और थोड़े सस्ते भी पड़ जाते हैं घर में। ये हमारा केचप भी अच्छा वाला केचप है और अब इस पर हम खीरा लगा रहे हैं। ये हम खीरा लगा रहे हैं, ये सब में हमने चार चार खीरे लगा दिए हैं और एक अंडे वाला बर्गर बन रहा है और एक सादा बर्गर बन रहा है। और ये देखिए ये अंडा हमने लगा दिया इसके ऊपर और ये अंडे वाला तैयार हो रहा है, अंडे वाला तैयार हो चुका है और अभी दूसरा वाला एक पे हम ये हमने इस पर सलाद पत्ता भी लगा दिया है। देखिए सलाद पत्ता भी लगा रहे हैं और इसके ऊपर हमने ये देखें आप तैयार हो गया हमारा मज़ेदार बर्गर। देखें आप लोग भी ट्राई करें अपनी ये रेसिपी घर में। ये हमारा बर्गर तैयार हो गया है और ये दूसरा बर्गर भी हमारा तैयार है। देखें देखें पकड़ के दिखाया आप इसको, अंडे वाला बर्गर है ये, देखें ये अंडे वाला है और ये हमने सादा बर्गर बनाया है। दोनों बर्गर रेडी हैं। कैसे बने बर्गर बनाया आपने? और ये मैं मछली का मसाला लगा के रख दिया है इसके अंदर और देखिए मछली में मसाला लगा है। इसको हम रात को फ्राई करेंगे और ये चटनी भी बनाएंगे कटोरों की, तो आपको दिखाएंगे फ्राई करते भी और चटनी बनाते वक्त। चले मिलते हैं आपको रात। हमने देखो ये कटारे हमने आपको दिखाए थे ना, ये फिर ऐसे कटा रहे, इसको हमने छील लिया है, छील के इसके ये बीज निकाल दिए सारे, ये बीज पड़े हुए ना सारे बीज निकाल दें इसको छील के और ये इस तरह कर लें, इसको काट के इसमें से बीज निकाल दिए हमने और अब इसकी चटनी बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे इसकी रेसिपी। और ये मिर्ची भी रखी है मैंने दो, अभी मैं इसको छील रही थी सारे मैंने छीली हैं अच्छे से काट लिए। सारे दिखाए थे इसको मैंने छील लिया और छील के इसके बीज निकाल के इसको अच्छे से धो लिया है। और ये मैंने आधी चाय के चम्मच से भी कम थोड़ा जीरा लिया है और ये आधी से चाय के चमचे से भी कम है कुटी हुई मिर्चें और ये आधी चाय के चमचे से भी कम है चीनी और ये है नमक हाफ चमचे समझ लें और ये दो लहसुन लिए हैं मैंने जवे लहसुन के और ये एक चमचा तिल है सफ़ेद वाले और ये एक हरी मिर्च है और ये हमारे पास धनिया भी है और पुदीना भी है, दोनों चीज़ें हैं। और मिर्चें आप लोग ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, हम कम खाते हैं इसलिए हम कम डाल रहे हैं। ये हम डालेंगे इसमें कटारे जो हमने काट के रखे हुए थे छील लिए थे इसको अच्छे से हमने काट लिया है और हम ये डालेंगे इसमें लहसुन और जीरा है, ये जीरा भी डाल दिया इसमें आ गया और ये हमारे तिल भी आ गए इसके अंदर और ये नमक भी आ गया और ये हमारे पास जो हमने आपको बताई थी चीनी, ये थोड़ी सी चीनी भी डाल दी मैं ताकि खट्टी मीठी चटनी बने और ये हरी मिर्च आ गई और ये यहाँ पर लाल मिर्च है इसको भी हमने डाल दिया। हमने आपको बताया था ये पुदीना भी डाल दिया। अब इसके अंदर पानी जो है ना बहुत ही कम डालेंगे हम, पीस लेते हैं
देखें आप चटनी तैयार हो चुकी है, इसको हम निकाल रहे हैं। तैयार है ग्रीन चटनी, ये हम मछली के साथ खाएंगे, मछली फ्राई करेंगे, तो इसके लिए बनाई है हमने ये चटनी। ये मछली फ्राई कर रहे हैं हम, देखें इसमें तापमान ले लिए, साइड से हो गई तो इसी साइड इसकी पलट रहे हैं, ये हमने इसको पलट दिया है। ये देखिए आप, ये हमारी मछली अच्छे से फ्राई हो गई है, हमारे पास जो है ना रोहू मछली है, इसमें कांटा भी नहीं ज़्यादा, और ये फ्राई हो रही है अच्छे से। इसमें मैंने साबुत धनिया भी कूट के डाला है, इस तरह आ रहा होगा आपको, ये देखें ये साबुत धनिया है कूटा हुआ। कलर देखें आप इसका कितना अच्छा है, गोल्डन कलर आया इसका, देखो ताज़ी मछली है ये, पता है आप लोगों को, ये टूट भी गई है देखें यहाँ से। आई होप ये फाइनली भी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो। रेसिपी तो सिर्फ बर्गर की आई थी और मछली हमारे पास आपको पता ही, अब्बू के दोस्त ने भेजी थी मसाला लगी हुई, जब भी हम उसकी रेसिपी नहीं दे सके, लेकिन सर्दियाँ जब बहुत तेज़ पड़ेंगी तो हम उसकी रेसिपी ज़रूर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके बताएं हमारा चैनल कैसा चल रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।